दोस्तों थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया है कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं कि फ़ोटो के पीछे टेक्स्ट को कैसे लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके लिए आपके फ़ोन में दो एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, पहला पिक्सेल ऐप एंड दूसरा पिक्सआर्ट। तो चलिए पहले हम पिक्सेल ऐप ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के बाद इसे कैंसिल क्लिक करूँगा एंड नीचे यहाँ पर जो दे रखा है लेयर जैसा ऑप्शन वाला, इस पर क्लिक करके हम पहले इमेज का जो साइज़ है वो यहाँ से हम कस्टम से हटा के इसे हम थंबनेल या चैनल बैनर कुछ भी सिलेक्ट करते हैं। थंबनेल मैंने सेलेक्ट किया है, जिसे वो करेंगे हम ओके। सिंपली से प्रेस करेंगे ओके। ओके प्रेस करने के बाद इसे जो न्यू टेक्स्ट लिखा है इसे सेलेक्ट करके हम ऊपर डिलीट करेंगे एंड डिलीट करने के बाद में यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करते हैं एंड ट्रांसपेरेंट क्लिक करने के बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ से हम प्लस करके भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको नहीं दिख रहा है वहाँ से, तो वहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसके लिए दूसरा भी है, इसे हम पहले कट करते हैं। दूसरा इसका क्या है, ऊपर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे एंड वहाँ से हम टेक्स्ट पर सिंपली प्रेस करेंगे। टेक्स्ट पे प्रेस करने के बाद में जब उस पर हम प्रेस करेंगे टेक्स्ट पे, तो उसके बाद यहाँ पे फिर वैसे ही ओपन होके आ जाएगा। फिर हम उस पर एक बार क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद चाहे तो हम एडिट करेंगे। इसमें हमें जो टेक्स्ट लिखना है हम यहाँ पर वो टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखने वाला हूँ अनुज टेक, तो ये मैं सारे कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ। कैपिटल लेटर में लिखने के बाद अब इसे थोड़ा आगे स्क्रॉल करेंगे। आगे स्क्रॉल करने के बाद में इसमें हम अपना कलर अपना वाइट ही रखेंगे। एक बार मैं फिर से वाइट ही कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आ गया है फॉन्ट। तो हम यहाँ पे फॉन्ट जो हमें सही फॉन्ट लग रहा है, जो मुझे फॉन्ट पसंद आए आप अपने हिसाब से, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ पे अमरनाथ गोल्ड वाला फॉन्ट सेलेक्ट किया एंड इसे ओके किया। एंड इतना करने के बाद हम इसे ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं, जूम इन या जूम आउट अपने हिसाब से। इसे हम जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से इसमें PNG के लिए बना रख सकते हैं टेक्स्ट को, वो आप अपने लिए कर सकते हो। अब हम नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं तो उसी वापस लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड उसके बाद कलर हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैक। हम ब्लैक कलर इसलिए सिलेक्ट करें ताकि हमें बिल्कुल सब क्लियर दिखाई पड़े कि हमारा टेक्स्ट कैसा है, कैसा दिख रहा है, कितना बड़ा करना है। तो ठीक है, हमने इसे ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, इसे एडजस्ट करके हम इसे ड्रैग करके अपने जो टेक्स्ट को है बड़ा करेंगे। ठीक है, इसे हम बड़ा करके स्क्रीन में हिसाब से फिट कर देंगे कि हम जब इसे दूसरे इमेज में रखेंगे कि देखने में थोड़ा यूनिक लगे, अच्छा लगे। इसके बाद हम सिंपली टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे वापस आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में अपना लाइन स्पेसिंग एंड स्पेसिंग का जो ऑप्शन दे रखा है, तो ये हम अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा मतलब स्पेसिंग के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट की स्पेसिंग घटा बढ़ा सकते हैं, चाहे स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग हो या ओनली स्पेसिंग हो। तो हम इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसे बड़ा करके इसे सिंपली ओके करेंगे। ये रहा है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे वैसे ही सेव कर दिया एंड इसे फिर वापस हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ट्रांसपेरेंट करने के बाद में अब हम इसे वापस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे एंड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद में हम यहाँ पे इसके लिए बॉर्डर लगाएंगे, टेक्स्ट का बॉर्डर। तो हम यहाँ पे वाइट में सबसे बड़ा ब्लैक का लगेगा, तो यहाँ पर हम ब्लैक का बॉर्डर सेलेक्ट किया एंड इनर साइडों का भी ब्लैक सेलेक्ट किया है। दोनों जगह ब्लैक इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि जो टेक्स्ट हमारा वाइट कलर का है तो ब्लैक में थोड़ा दूर से दिखेगा। इसे हम सिंपली एक्सपोर्ट इमेज करेंगे एंड एक्सपोर्ट इमेज में हम इसे PNG में सेव करेंगे क्योंकि JPG में नहीं करना, हमें इसे PNG में एक्सपोर्ट इमेज सेव करनी है। इसे सेव कर लिया। इमेज सेव करने के बाद में हम सीधा वापस आएंगे होम पे। आने के बाद हम सीधा ओपन करेंगे पिक्सआर्ट ऐप को क्योंकि अभी तक हमने पिक्सेल ऐप में काम किया। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद में ये ओपन हो जाएगा, तो उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ये नीचे दिया रहता है एंड उसके बाद में हम यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हम फोटो वाले के आगे जो आल फोटो लिखा है पहले उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के ऊपर रिसेंटली में जाके अपना किसी भी एल्बम से एक फ़ोटो उठा सकते हैं। ठीक है, तो एल्बम से उठाने में हमें आसानी रहेगी। तो यहाँ पर मैं कोई एक फ़ोटो उठा ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है एंड फ़ोटो सेलेक्ट करने से मैं थोड़ा बड़ा है 9:16 का रेशियो, तो मैं इसे 16:9 का रेशियो या अपने हिसाब से कट करके एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे आया आप कट करने के लिए क्रॉप, तो बोले थे तो मैं क्रॉप कर रहा हूँ एंड ये मैंने इसे इस साइज में क्रॉप कर लिया है। एंड क्रॉप करने के बाद में हम इसे जो नीचे जो रखे टूल्स में हम आएंगे ड्रा वाले टूल पे, तो ड्रा वाले टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे हम सिंपली प्लस फोटो प्लस पे जाएंगे एंड वहाँ से अपना PNG सेलेक्ट करेंगे जिस PNG का टेक्स्ट हमें फ़ोटो के बैकग्राउंड में लगाना है। तो अभी मैंने ये PNG है, इसे PNG का जो टेक्स्ट है तो उसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट करके कट करके यूज करेंगे। तो
उसे हम सिंपली इधर से चारों तरफ से उसे ड्रैग करके कट लाइन को यूज कर लिया एंड इसे मैं फ़ोटो पे ले आया। तो अभी आप देख सकते हो फोटो के ऊपर रहता है। अभी मैं इसे ड्रैग करके बड़ा कर रहा हूँ तो ये भी आप देख सकते हो सीधा फोटो के ऊपर रहता है, बल्कि फोटो के पीछे नहीं जा रहा है टेक्स। तो अभी यहाँ से अब आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप सारे ध्यान से सारे पॉइंट देखना। अब इसके बाद हम इसे अपना एडजस्ट करके जिस हिसाब से टेक्स्ट रखना था, एंड टेक्स्ट रखने के बाद में हम सिंपली आएंगे रबड़ वाले ऑप्शन पे, जो यहाँ पे इरेजर बना हुआ है, ये हमारा लेयर है। तो इसे हम पहले इसका ऑपेसिटी कम कर रहे हैं जिस हिसाब से हमें दिखाई पड़े जो इरेज करना है। अब मैं सिंपली इरेजर वाले टूल पे आया एंड इरेजर टूल की मदद से हमने इसे जितना जितना इरेज करना था उस हिसाब से मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने में ध्यान रखना कि ऐसा लगे कि टेक्स्ट बिल्कुल जीरो पॉइंट पे इरेज करना है, क्योंकि ऐसा लगे कि हाँ ये टेक्स्ट पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, इसे अब इस हिसाब से मैंने इरेज किया है। अब इसका मैंने अपेसिटी फुल कर दिया है। तो यहाँ से मैं इसे देख सकते हो, तो अभी देखने में ये लग रहा है कि टेक्स्ट जैसे हमारी फ़ोटो के पीछे लिखा हुआ हो। एंड इसके बाद हम इसे सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, अगर अदरवाइज अगर हम सेव नहीं यहाँ पे फ़ोटो सेव नहीं करना चाहते हैं इमेज में, तो यहाँ पे हम इसे डिस्कार्ड करेंगे या हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं या GIF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कार्ड करके इसे फ़ोटो में सेव कर सकते हैं या हम इसे GIF में भी सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में।